हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर मोटो वन फ्यूजन प्लस का बॉक्स फाइनली डिलीवर हो चुका है। 24 जून को हमने इसे ऑर्डर किया था ताकि आप सभी के लिए टाइमली इस फ़ोन की सारी वीडियोस बना सकें। तो इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक बनता है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। लेकिन डिलीवर होने में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। आज 29 जून को ये फ़ोन डिलीवर हुआ है, तो बॉक्स को हमने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। तो फटाफट हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस का बॉक्स मिल जाता है। कुछ ऐसी बॉक्स पैकेजिंग आपको मिलेगी। तो जल्दी से बॉक्स को यहाँ पर एक बारी ओपन कर लेते हैं। साइड से भी आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। ऊपर ही आपको स्मार्टफोन यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ देर के लिए इसको साइड में रखते हैं एंड चेक करते हैं बाकी क्या कुछ बॉक्स में आपको कंटेंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, ये मोटोरोला का 18 वोट का टर्बो फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। तो चार्जिंग टेस्ट भी हम करने वाले हैं, साथ में पबजी प्ले करते हुए बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको टाइप सी केबल यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो दोस्तों, ये आपको मोटोरोला का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वन फ्यूजन प्लस मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग है 16999 यानी 17000 में। हमने इसे आप सभी के लिए वीडियोस बनाने के लिए परचेज किया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाली है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए। 730G का गेमिंग चिपसेट आपको मिलता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। एंड आप देख सकते हैं कवर के साथ ये फ़ोन आपको बॉक्स में मिलेगा। तो कवर को एक बारी हम निकाल लेते हैं। जो बैक केस की क्वालिटी है वो भी आपको ठीक अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट से स्टिकर को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको डिज़ाइन मिल जाता है मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस का। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको डिज़ाइन कैसा लगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा डार्क ब्लू मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा लाइट ब्लू मिल जाता है, स्काई ब्लू टाइप। तो ग्रेडियंट फिनिशिंग आपको मिल जाती है। ये प्लास्टिक बैक है लेकिन ग्लास जैसी लुक आपको मिलेगी। और साथ में इसका बैक डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पूरे फ़ोन पर लाइनिंग का टेक्सचर आपको मिल जाता है, जिससे कि ये फ़ोन और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बैक साइड में मोटो की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको LED फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलता है, इसके नीचे आपको पावर लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी कुछ टेक्सचर का डिज़ाइन आपको मिलता है। यह आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट के लिए बटन प्रोवाइड किया गया है, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी बढ़िया बात है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है, प्राइमरी माइक्रोफोन, 3.5 mm ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड में कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी नोच प्रोवाइड नहीं की गई है, फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिलती है। यहाँ पर ऊपर आपको सिम ट्रे मिलता है, सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक आपको मिल जाता है। तो सिम ट्रे को एक बारी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिलता है, यानी आप एक टाइम पर 2 सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 सिम प्लस मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही वेरिएंट आपको इस फ़ोन का मिलता है, 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज। तो ऐसे में आपको मेमोरी कार्ड यूज़ करने की मोस्टली यूजर्स को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक बारी मैं जल्दी से फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमने फ़ोन को पूरे तरीके से सेटअप कर लिया है। चलते हैं एक बारी सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवाइस आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है।
एंड मोटो ने यहाँ पर बताया कि इसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड साथ में ये भी क्लेम किया कि जो एंड्रॉयड सेगड़ी पैच के अपडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी रेगुलर अपडेट्स आपको हर मंथ मिलेंगे या फिर नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी अपडेट आएगा तो उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक कवर लगाने के बाद यहाँ से तो कैमरा लगभग आपको बैक कवर के इक्वल मिल जाता है, लेकिन यहाँ से आपको कैमरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मिल जाता है, तो आपको कोई बढ़िया सा कवर यहाँ पर परचेज़ करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टच किया एंड ये स्क्रीन को अनलॉक कर देता है, तो थोड़ा सा एनिमेशन में टाइम लगाता है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, लेकिन ये एनिमेशन में थोड़ा सा टाइम लगाता है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी चाइनीज़ ऐप इंस्टॉल नहीं है, कोई भी ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता है, स्टॉक एंड्रॉयड यूआई आपको मिल जाता है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर यूआई आपको मिल जाता है, तो कोई भी फालतू की एड्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली एंड यहाँ पर आप एनिमेशंस देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर हम बात करें कैमरा के बारे में तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पर इसे टेस्ट किया था एंड फर्स्ट लुक में जो कैमरा है वो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा में सारे ज़रूरी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है, कटआउट, मैक्रो लेंस के साथ आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, पैनारोमा, नाइट मोड, लाइव फिल्टर, 64 मेगापिक्सल का मोड यहाँ पर आपको मिलता है, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हिडन सेटिंग्स आपको मिलती हैं। तो इस फ़ोन के कैमरा के टॉप हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जल्दी आएगी, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फ़ोन की जैसे ही मैं वीडियोज़ बनाऊँगा सारी आपको इसी वीडियो में आई बटन पर ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप बाद में भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस फ़ोन का जो पॉपअप कैमरा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसी स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाती है, साथ में आपको साउंड भी मिलता है। तो स्पीड मुझे नॉर्मल लगी है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, स्पीड आपको ज़्यादा फास्ट भी नहीं मिलती है, लेकिन आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं। एंड इसमें ये भी फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, अगर गलती से आपके हाथ से फ़ोन नीचे गिरता है तो इस केस में ये जो कैमरा वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड साथ में आप कुछ फीचर्स देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये एक्शन करेंगे तो कैमरा ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगी, साथ में फ्लैशलाइट के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे ज़रूरी फीचर्स आपको मोटो एक्शन में यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड ऐप टाइप आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ज़रूरी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाता है, जो कि दोस्तों आज के टाइम में आपको जो स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस है वहाँ पर आपको ये फीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस फ़ोन में प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये है मोटो वन फ्यूजन प्लस 17000 में 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज आपको मिलता है, LPDDR4X रैम आपको मिलती है, UFS 2.1 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो रीड एंड राइट स्पीड भी बढ़िया आपको यहाँ पर मिलेगी। फर्स्ट लुक में गाइस अगर मैं बात करूं तो इस प्राइसिंग में यहां पर आपको 128GB स्टोरेज मिलता है 6GB रैम के साथ, जो कि दोस्तों जो नोट 9 प्रो मैक्स है उसका भी प्राइस आपको 128GB का ज़्यादा आपको मिल जाता है इस फ़ोन से 1000 के करीब। एंड जो पोको X2 है, रियलमी 6 प्रो है, वो भी 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आपको मिलता है। एंड उनमें गाइस आपको फुल व्यू डिस्प्ले भी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है, पॉपअप कैमरा मिलता है, जिससे कि ये फ़ोन बढ़िया एंड प्रीमियम आपको मिल जाता है। साथ में पावरफुल स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट है, 5000mAh की बैटरी है, 18W का फास्ट चार्जर है, तो मुझे इस फ़ोन में कोई खास ज़्यादा बड़ी कमी नहीं लगी है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।